अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, पिटारा ने बनाई वीडियो कि हम जा रहे हैं फार्म हाउस किस लिए? बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसको इसीलिए लोगों ने सिंपैथी देके इसको सपोर्ट किए थे ताकि ये फार्म हाउस और ये सारी गंदगी करे और इस तरह से अय्याशियाँ करे। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का कुरान क्लास, बच्चों को अच्छी तालीम देना, वो सारा कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसको यही याद रहता है कि अय्याशियाँ कैसी करनी है। अच्छा, उट्टे साथ में ये अनीता को दिखा रही है। अनीता के साथ में हलीमा बैठी हुई थी कि अनीता है ना पैकिंग वगैरह कर रही है, क्या कपड़े लेना है, कितने कपड़े लेना है, सारा अनीता कर रही है। मतलब ये औरत इतनी कामचोर हो गई है कि ये कपड़े तक के अपने हाथ से नहीं पैक करती है, ना निकालती है, ना रखती है। मतलब इसको कोई चीज़ काम नहीं करनी है, कोई जगह पे इसको अपने हाथ से कुछ नहीं करना है, हर एक चीज़ के लिए इसको नौकर चाहिए। और फिर इतने जो कल के वीडियो में बोली थी कि मैं दोनों में से एक को लेके जाऊंगी, मियाँ बीवी डिसाइड कर लो, अनीता तुम चलोगी या रमज़ान तुम चलोगे। तो जाहिर सी बात है, रमज़ान के बिना तो ये रह नहीं सकती है। और जब रमज़ान ने जाने का बोला होगा तो अनीता तो पीछे लग गई होंगी कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि अनीता को अच्छे से पता है कि ये औरत कैसी है। तो मुझे नहीं लगता कि अनीता कहीं पे भी इसको इस तरह से अपने हस्बैंड को इसके साथ में अकेले छोड़ेंगी। बल्कि अनीता क्या नहीं छोड़ेंगी, पिटारा खुद भी रमज़ान को है ना अपने से दूर नहीं रख सकती है, और इसका प्रूफ वो खुद अपनी ही वीडियो में देती है। और गरीबों से इसको इतनी शर्म आती है कि मजबूरी में लेके तो चले गई है अनीता के बच्चों को और हलीमा को, लेकिन अनीता के बच्चों को ये गलती से भी वीडियो में नहीं लेती है, गलती से भी उनको कैप्चर नहीं करती है। इसकी सिस्टर के बच्चे आ जाए या वो जो इसका एक बना हुआ है ना, पता नहीं यार है कि कौन है जिसका बच्चा कौसर को दिया गया है, उसके बच्चे आ जाए, उनको बराबर दिखाती है वीडियो में, लेकिन अनीता के बच्चों को कभी भी नहीं दिखाती है। तो यहीं पे आप लोग देख लो कि ये कितनी छोटी सोच की और झूठी और एक मक्कार औरत बोलते हैं ना, वो है ये। और जब अनीता ने सारी पैकिंग वगैरह सब कर ली तो ये क्लिप बना के बता रही है कि ये सब तो मैंने समेट ली हूँ, ये सब तो मैंने पैकिंग वगैरह कर ली, मैंने तैयारियाँ कर ली हूँ, अब बस हम निकलने लगे हैं। अरे पिटारा, तूने कब तैयारी कर ली? तूने तो खुद ही क्लिप में बताई है कि अनीता ने की है सारी तैयारियाँ। अगर ये अपने बच्चे के सर में तेल भी डालती है ना तो उसका भी क्लिप बना लेती है, क्योंकि इसके पास में पूरा दिन कोई काम धंधा तो होता नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ना ये क्लिप बनाती है। तो इसके बच्चों को भी अनीता ने और वो हलीमा ने मिल के तैयार की, नहलाए धुलाए, पैकिंग वगैरह सब कुछ। इसने क्या की, पांडुओं की तरह सिर्फ और सिर्फ खुद तैयार हुई है। कपड़े चेक किए आप लोगों ने इसके? हर जगह पे एक ही जैसे, बस कलर अलग, पागलों की तरह। इसको लगता है ना कि मैं दिन पे दिन बस जवान दिखूं, तो पुरानी इमारत पे है ना नया चूना लगा लेने से ना वो इमारत नहीं हो जाती है पिटारा। और गोंचू है ना तेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, गोंचू और तू है ना हम उम्र है, समझ आई? तो जैसे गोंचू ने अपने आप को कुछ नहीं किया है, जैसे तू कभी होट फिलर करा, कभी स्किन वाइटनिंग का इंजेक्शन ले, कभी ये कभी वो, जो तू करती रहती है ना, गोंचू ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए उसकी उम्र साफ नज़र आती है। और तू है ना वही उम्र की है बुढ़ी, बस शर्म तेरे अंदर है ना दो कौड़ी की भी नहीं है, बेशर्म औरत है। अब देखो, इतने दिन से तो ये दुपट्टा ऐसे ले लेके घूम रही है, सर पे ले लेके घूम रही है, आज उतर गया। मतलब अय्याशियाँ जैसे ही इसको करनी रहती है ना वैसे ही दुपट्टा सरक के है ना बगल में चले जाता है, सर से तो सरक ही जाता है, सीने से भी सरक जाता है, फौरन दुपट्टा निकाल के फेंक देती है। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, मीटअप हो या कश्मीर जाना हो या गांव जाना हो या इस तरह से इसको फार्म हाउस वगैरह जाना हो, तब ये है ना अपना सीना पूरा खोल देती है, सर खोल देती है और सबको खुलेआम अपनी छाती और अपना सर दिखाती है। अब इसका क्या मतलब है बताओ? जाहिर सी बात है ना कुछ काला कांडी करने के लिए ही निकलती है ना, तभी तो सीना खोल खोल के आईने में अपनी पूरी बॉडी दिखाना, फिर जाके पब्लिक में दिखाना। अब आया तो बहुत दूर रह गया इससे, अब आए को तो छोड़ ही दो, अब आया तो है ही नहीं अब इसकी ज़िंदगी में, लेकिन सीना खुले आम दिखाना। और फिर इसके सपोर्टर सलमा की तो नमाज की चादर के अंदर से घुस जाते हैं कि अंदर तूने क्या पहनी है। अपनी मालकिन को पूछा है तुम लोगों ने कि ये जो अय्याशियाँ करने के लिए जब तू निकलती है तो तू अपने मुँह में क्यों दिखाती है? तो थोड़ा सी ना शर्म करो, अपनी मालकिन के ऊपर सवाल उठाओ कि अब आया तो नहीं है, कम से कम सीना तो छुपा ले घटिया औरत, सर तो ढाक ले
जो एक्टिंग करी थी, याद है आप लोगों को पिछले साल? मैंने तो पर्दा की हूँ, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं ये बीबी को देख के उनके मतलब नक्शे कदम पे चलने लगी हूँ। हाँ मैंने सबा को कॉपी की हूँ, तो मैं फ़ख्र करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है। क्या हो गया पिटारा, उस सब डायलॉगों का ख़त्म हो गए? सीने से तक के दुपट्टा हट गया, हिदायत तेरी कहाँ चली गई? झूठी मक्कार कहीं की ड्रामेबाज औरत। जो औरत पैकिंग के लिए अपने बच्चों के कपड़े अपने हाथ से नहीं निकाल रही है, वो औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने है ना बाबी क्यों करना है ना, वहाँ पे तो हमने सारा सामान ले लिया है, हमने ना चिकन को मैरिनेट भी कर लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम वहाँ पे ना ये करेंगे वो करेंगे। पिटारा तूने मैरिनेट कर लिया था, तूने सामान ले ली, तूने चाय बनाई वहाँ पे। तेरे से तो मैं तो बोलती हूँ ना कि जो तू टॉयलेट जाती है ना, तेरा बस चले तो धुलाने के लिए भी तू नौकरानी रख ले, खाना भी तू अपने हाथ से ना खाए, कोई तेरे को मुँह में निवाला दे उसके लिए भी तू नौकरानी रख ले, ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा काम है। खल बस ये बोलना है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, कुछ भी नहीं है। क्रेडिट लेना फ्री का, इसको बहुत बुरी बीमारी है, इसको दो बीमारी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, एक तो झूठा झूठा क्रेडिट लेना और दूसरा दूसरे के मर्दों को हथियाना, ये दो बीमारी है ना। इसकी अम्मा भी बोलती है इसका इलाज चल रहा है, बीमारी है बेचारी को इलाज चल रहा है। अच्छा साथ में ना ये कौसर को लेके गई है, अब कौसर को ले जाने के पीछे ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी है या ये बहुत ज़्यादा रहम दिल औरत है, इसको तरस आ गया कौसर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौसर को घर में ही छोड़ के जाती, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि इसकी हर एक पार्टियाँ हर एक प्लानिंग है ना चौपट हो जाती है, तो इसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरी ये बर्थडे वाली जो ये है ना वीडियो से ऐसा फ्लॉप होने वाली है। लेकिन इसको ये भी अच्छे से पता है कि कौसर रहेंगी ना तो व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, तो मैं बोल दूँगी कि बर्थडे के वजह से व्यूज़ अच्छे आए, इसलिए ये कौसर को लेके गई है, वरना कौसर को ये कभी भी नहीं ले जाती। ये कौसर को खुद की इज्जत ढाकने के लिए लेके गई है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि व्यूज़ है ना कौसर के ही नाम पे आएंगे। और इतनी छोटे दिल की औरत है कि एक पता नहीं 150 या 100 वाला कपड़ा लेकर आई है, इसने 50 बार वो कपड़े को दिखा दी, मैंने इब्राहिम के लिए कपड़ा लाई, मैंने इब्राहिम के लिए कपड़ा लाई। अरे भाई पिटारा, एक जोड़ा लाने से है ना तेरे अच्छापन है ना दिखाई नहीं दे देगा। जिस तरह से कौसर को तूने वो कोने में फेंक के रखी है, उसके पास एक भी नौकरानी नहीं है, वो डिलीवरी में है फिर भी तू उसको पूछती नहीं है, तू उसके ख्याल नहीं रखती है, तू उसकी जैसे डिलीवरी में देख रेख की जाती है औरत की, वो चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि कोई यहाँ पे ये ना बोले कि कौसर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कौसर के नाम से ही खा रही है। आज जहाँ पे भी किसी सितारा खड़ी हुई है ना, वो कौसर की बदौलत खड़ी हुई है, तो इसको चाहिए कि कौसर का ना पैर धो के पानी पिए, इतना भी इसको करना चाहिए। लेकिन चलो इतना नहीं कर रही है, कम से कम उसको उतना तो दे जितना उसका हक बनता है, तेरे से ज़्यादा तो उसको मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहिए था, ऐशो आराम में कौसर को रहना चाहिए था। कौसर के आने से पहले तो तेरा चैनल नहीं चल रहा था, कौसर तेरी ज़िंदगी में आई है जब जाके तेरा चैनल चला है, और तू अय्याशियाँ कर रही है और कौसर को देखो एक कोने में फेंक के रखी है, ना ही तो कुछ के घर में एसी है, ना टीवी है, ना वॉशिंग मशीन, कोई चीज़ उसके घर में नहीं है, 4 बर्तन है खाली, ना नौकर है, कुछ भी नहीं है उसके घर में, बस एक सोफ़ा रख दी है और एक बेड रख दी है और ये घर है। तू रह ले ना वो घर में, तू रह के दिखा और यहाँ पे कौसर को शिफ्ट कर दे, फिर देखेंगे हम के तू कैसे ज़िंदगी निकालती है। तो ये एक जोड़ा दे के है ना पिटारा, तू समझ रही है मैं अपने आप को अच्छा समझा दूँगी, अच्छा दिखा दूँगी, तो दिखता है ऑडियंस यहाँ पे ना अंधी नहीं है, उनको सब समझ में आता है कि कौसर के लिए तू कर क्या रही है और उसके लिए भी उसके ऊपर तू जुलूम कितना कर रही है वो दिख रहा है हमें। और पांडु औरत जो शादियों में चप्पलें सैंडिले पहने जाती है, वो सैंडिले अपनी खुद की सैंडिल, मैं ये फ्रॉक पहनूंगी, मैं ये सैंडल पहनूंगी, मैं ये ऐसी दिखूंगी, मैं ऐसे तैयार होंगी, ये माँ है, इसने बच्चों की फ़िक्र नहीं है तुझे कि बच्चों को मैं क्या पहनाऊंगी क्या नहीं पहनाऊंगी, बस वो पुराना सा फ्रॉक मंगा ली और बोल दी कि ये मना कर रही है कि मैं टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनूंगी, इसके लिए ये फ्रॉक रख लो। अगर वो मना ना करती तो तू तो क्या कर रही थी, एक टी शर्ट और एक वो जीन्स वगैरह लेके उनके लिए जा रही थी, खुद को तुझे पूरा सीना दिखा के कपड़े पहनने होते हैं, हाँ दुपट्टा तेरे सर से उतर के बगल में चला जाता है,
शर्म नाम की चीज़ नहीं है तेरे अंदर बेशर्म औरत। साइको पागल औरत आईने के सामने पूरा जिस्म दिखाते खड़े रहती है, और तारीफ करवाने की तो इसको इतनी ज़्यादा साइको को आदत है। तैयबा आयत के पीछे पड़ी है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हर जगह पे इसको छोटे छोटे बच्चों से भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए रहता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। कमर को जानबूझ के ऐसे बाहर निकाल के, सीना बाहर निकाल के, पेट अंदर डाल के, कैमरे में अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे दिखाना, ये कौन सी इज्जतदार औरतों की पहचान है? घटिया औरत, ये घटिया औरत है और इसके घटिया सपोर्टर। लक दी लाना था तुम लोगों के ऊपर। जब इसके पास में कोई कंटेंट नहीं होता है ना, तो इसको अम्मा याद आ जाती, अब्बा याद आ जाते। आप लोगों को याद है कितना टाइम हो गया इसने अपने बाप को याद की होगी। अब देखना इसको जब कोई कंटेंट नहीं होगा ना, सिंपत्ति लेनी होगी, जैसे कि चल रहा है YT पे, इसके जो सपोर्टर है आपस में जिस तरह से भीड़ रहे हैं, तो अब ये करेंगी बहुत जल्दी सिंपत्ति वाली वीडियो लेकर आएंगी। फिर ये अपनी अम्मा को याद करेंगी, मैं अकेली हूँ, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, ये किए वो किए बोल के उनको चू बनाएंगी। तो हो सकता है इसको अब्बा याद आ जाए। वैसे अय्याशियों में रहती है, खुश रहती है, मज़े कर रही रहती है, मस्तियाँ कर रही रहती है, तब इसको अम्मा याद नहीं आती, तब इसको मरे हुए अब्बा याद नहीं आते। मस्त घूमना फिरना, हमने वहाँ पे ये किया, हम ये कपड़े लेके जा रहे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम भाभी क्यों, ये सब चीज़ें याद रहती है। ये टाइम पे अम्मा को याद किया करना। गम में तो हर कोई माँ को याद कर लेता है, अल्लाह को याद कर लेता है, खुशी में अल्लाह देखता है ना कि वो कितना अपने माँ बाप को याद कर रहा है और कितना अल्लाह को याद कर रहा है। तो पिटारा, यहीं से तेरी ना औकात पता चलती है कि तू एक सेल्फिश औरत है, घटिया औरत। वैसे जो काम धंधे वाले लोग रहते हैं, जो एकदम तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली सारा कुछ गुजार रहे रहते हैं, वो लोगों के आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग खुद भी करते होंगे कि पूरे वीक में बर्थडे कभी भी आ जाए सिर्फ केक काट लेते हैं, और जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, वो दिन फिर उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करना मीन्स के कहीं पे गए, खाना खाए, बच्चों को घुमाना फिराना, ये सारा कुछ होता है। और ये टाइम पे ये खुद बता रही थी कि मुस्तफ़ा के पेपर चल रहे हैं, तो उसको 12 बजे संडे वाले दिन भी ट्यूशन बुलाया जा रहा है, इसका पेपर आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम आने वाले है, ये खुद ही बोल रही थी। तो आप लोग खुद सोचो कि ये औरत को कितनी फिक्र है अपने बच्चों की पढ़ाई की, कि इसने 3 दिन तोड़ के 3-4 दिन के लिए ये फार्म हाउस पर चली गई। ना ही कोई वैकेशन है, ना ही कोई छुट्टियां हैं, कुछ नहीं है, बल्कि पेपर आने वाले हैं, फाइनल इन लोगों का होने वाला है, लेकिन इसको कोई फिक्र नहीं है। जब बच्चों के नॉर्मल स्कूल भी चल रहे होते हैं ना, तो भी लोग सेलिब्रेट नहीं करते काम वाले दिन, स्कूल वाले दिन, संडे वाले दिन, जैसे छुट्टी वाला दिन होता है ना, वो दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता छुट्टी है या नहीं है, पेपर है या नहीं है, फाइनल है या नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ और सिर्फ अय्याशियाँ करने का बहाना चाहिए घटिया औरत को। और क्या बोल के सिंपतियाँ ली थी, मेरे बच्चों को मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। अरे चल दूर फिटे मुँह तेरे। तो जी पिटारा जो हमेशा बोलती है ना, सब्सक्राइबर मिली थी, मैं बात कर रही थी, तो सब्सक्राइबर इसको कभी नहीं मिलते। जेन्युइन सब्सक्राइबर इसको इस वीडियो में मिले थे, जो कि इसने उनके मुँह में कैमरा डाल के दिखाई, और इसके मुंह से जो खुशी थी ना, वो झलक रही थी कि हाँ अब इसको सब्सक्राइबर मिले। हमेशा ये झूठ बोलती है कि सब्सक्राइबर मिले, झूठी कहीं की, ये थे इसके सब्सक्राइबर। और बात करने में तो इसको मर्दों से कितना मज़ा आता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कितना मज़े से उन लोगों के मुंह पे कैमरा रख के, कौन देखता है आप लोगों के घर में, अच्छा आपकी बेगम देखती है, बच्चे देखते हैं, अच्छा तो ये आदमी को सपना आया था के तू पिटारा यासीन है, वो कैसे पहचान गया? अरे तेरे ऐसी औरत जो शीशे के सामने खड़े रह के अपना सीना दिखाती है, ऐसे लोगों को मेरे को लगता है औरतों से ज़्यादा ना मर्द देखते हैं। ये तो तू वल्गरिटी दिखाती है ना, तू जानबूझ के दिखाती है ताकि लोग तुझे देखें। तो ये झूठ तो उसके मुँह से जो निकला है, जाहिर सी बात है बोलना ही था ना, वो ऐसा तो नहीं बोल सकता था कि मैं तुम्हारा जिस्म देखने के लिए तुम्हें फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, घटिया औरत। अच्छा ये जो फार्म हाउस इन लोग पहुँचे हुए हैं, तो फार्म हाउस से ये लुकआउट और पता नहीं पुदीना ये वो सब तोड़ तोड़ के जंगलियों की तरह इन लोग खा रहे हैं, जबकि ये सब अलाउड नहीं होता है कि वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे वगैरह वगैरह लगे तो आप लोग उसके फ्रूट नहीं तोड़ सकते, आप लोग उसको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते, आप लोग कुछ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि वहाँ पर जो भी मतलब कि ये है कि अगर तुम लोग फ्रूट तोड़ सकते हो, मिर्ची मसाले तोड़ सकते हो, फिर वहाँ पे तो चिकन भी घूम रही थी जिंदा, फिर तो वो भी तुम लोग काट के खा सकते हो, हैं
जो भी जानवर लोग फार्म हाउस में रखे हैं सब कुछ तुम लोग यूज़ कर सकते हो, यही हो गया फिर तो। तो ये तो कोई भी नहीं करने के लिए देता है फार्म हाउस में, आप कोई भी चीज़ ऐसे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो बिना उन लोगों के मतलब पूछे। और लोग कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं कि आप लोग हमारे फ्रूट वगैरह तोड़ के खाओ। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो ये तो अलाउड नहीं होता है। हाँ, अगर वो चीज़ आपकी अपनी हो तो कोई भी नहीं मना कर सकता है। आप लोगों को याद होगा इसकी माँ और ये पिछली बार फार्म हाउस देखते फिर रहे थे कि हम बर्थडे मनाएंगे, याद है आप लोगों को। उसके बाद में मुझे पता चला था कि पिटारा ने ना कोई फार्म हाउस खरीदी है। अब वो यही है या कोई और है ये दिखाने नहीं चाहती है, लेकिन मुझे यही वाला लग रहा है, क्योंकि जितना धड़ल्ले से ये पूरा फार्म हाउस आराम से घूम रही है, इसको एक एक कोना पता है, फिर ये वहाँ पे फ्रूट वगैरह तोड़ रही है, जिस तरह से मतलब ये वहाँ पे रिएक्ट कर रही है, आप लोग देखोगे ना, जैसे ज़मीन पे आग जला लेना। हालांकि देखो, ज़मीन पे आग जलाने से ज़मीन ख़राब होती है, दूसरे की चीज़ है तो तुम कैसे ख़राब कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी अपनी है ना, तो तुम धड़ल्ले से ख़राब कर लोगे। तो वो टाइम पे जब ये फार्म आउट ढूंढते फिर रही थी, उसके बाद में फिर इसकी माँ की और इसकी बात हुई थी, तो इसने बोली थी कि मुझे बहुत शौक है कि मैं घोड़ा खरीदूँ, याद है आप लोगों को, घोड़े खरीदने की बात कर रही थी। फिर बोल रही थी मैं एक फार्म हाउस लूँगी, वहाँ पे मैं मुर्गियाँ रखूँगी, मैं वहाँ पे घोड़े रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये फार्म हाउस है ना, इसका अपना है। इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी पता लगा के बताऊँगी, कन्फर्म करूँगी इस बात को कि ये फार्म हाउस इसका अपना है कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसका बिहेवियर है ना, उससे साफ नज़र आ रहा है फार्म हाउस इसका अपना है, ना कि इसने रेंट पे खरीदी है। और ये फार्म हाउस के बारे में ये भी पता चला था मुझे कि इसने पूरे पूरे पैसे लगा के ये नहीं खरीदी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इतना बड़ा जो इसने वहाँ पे प्लॉट लिए, उसके बाद में अम्मा को लेके गई थी एक गांव में, और इसने बताई थी कि यहाँ पे भी मैंने प्लॉट ली हूँ, रात का टाइम है, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर प्लॉट की तो इसने बात ही नहीं की, तो वो प्लॉट हो गया। फिर ये फार्म हाउस ख़रीदना, फिर कराची में एक और घर ख़रीदना, ये सारा कुछ है ना, ये जो इदारे वालों के चक्कर में ये जो अभी है ना, आप लोगों को मैंने बताई थी ग्रीन सूट वाला, तो वो जो काले ही चीज़ें हैं इसको वाइट करने के लिए ना इसको दिया जा रहा है। और ये उन लोगों की ना बहुत ज़्यादा खास बनी हुई है, खास का मतलब समझ रहे हो ना, उसके वजह से ये सारी चीज़ें इसको मिली है, जिसको है ना ये बड़ा घमंड से ये दिखाती है। इसके बैठने का, बात करने का तरीका देखे आप लोगों ने, कितना घमंड आ गया है। फार्म हाउस में जब ये बैठी हुई है, तो इसके बैठने का तरीका देखो, उसमें साफ घमंड नज़र आ रहा है। गोंचू जमीन में बैठा हुआ है, और ये कुर्सी पे, कुर्सी पे तो कौसर भी बैठी हुई है। कुर्सी कौसर का अंदाज़ देखो, एकदम नॉर्मल है बैठने का, लेकिन इसका अंदाज़ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेठानी है और वो दोनों नौकर सामने बैठे हैं। लक दी लानत है पिटारा तेरे घमंड के ऊपर। और एंड में जो अम्मी के नाम पे इसने सिंपत्ति ली है, हाय हाय बोल रही है, मैं हमेशा सबके लिए ना बहुत कुछ करती रहती हूँ, मैं सबके लिए करती रहती हूँ, मेरे लिए ना किसी ने पहली बार कुछ किया है। मेरी आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए थे नजुमा आंटी को देख के। अच्छा, नजुमा आंटी है ना लॉन्ग ड्राइव करके गई है बेचारी ना, तो थक गई, इसके लिए वो नहीं आई इसके साथ में, वो आराम कर रही थी गेस्ट हाउस में, तो इसने उसको ना वहीं पे छोड़ के आ गई। तो जो इसने बोली है कि वो लंबा सफ़र करके आई है, तो वो आराम करेंगी, वो कल आएंगी, कल मैं अपने हस्बैंड को भेज के उनको बुलाऊंगी, तो आराम तो वो गेस्ट हाउस में भी कर सकती थी ना। ये इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे जो रूम है, ये जो दिखा रही थी सारे रूम, तो यहाँ पे भी वो आराम कर सकती थी। लेकिन ये है ना बहुत चालू औरत है, बहुत ज़्यादा चालू, झूठ बोलती है ये मक्कार औरत। जाहिर सी बात है कि वो इतने सालों के बाद आई है, उसके खुद के रिश्तेदार होंगे, उनसे उसको मिलना होगा, उनके घर पे जाना होगा, रुकना होगा, इसके लिए वो नहीं आई होंगी। लेकिन हाँ, इसको क्रेडिट लेने की बहुत बीमारी है ना, कि मेरे लिए आई सिर्फ वो, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं आती है। अरे रहने दे पिटारा, बड़ी बड़ी बातें, घटिया औरत। और तू किसके लिए कितना करती है ना, वो हमें अच्छे से पता है। यहाँ तक के कौसर को एक नौकरानी तो ये रख के नहीं दे सकती है। ये बोल रही है मैं हर किसी के लिए ना बहुत कुछ करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ दूसरों के लिए, बहुत करती हूँ। अरे चल आई बड़ी तू करने वाली, तू ये करती है कि दूसरे के हस्बैंड छीन लेती है, तू ये करती है कि दूसरों के है ना घर बर्बाद करती है, फिर उनको थ्रेट देती है, उनको धमकियाँ देती है, उनके बच्चों को तू गंदा करवाती है, ये सब तू करती है, इससे उससे गलत रिलेशन रखती है, उनसे पैसे, ज़मीन, फार्म हाउस ये सब ऐंठती है, ये घटिया काम करती है तू।
आई बड़ी तू दूसरों की हेल्प करने वाली और बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाली। तेरा दिल देखिए कितना छोटा है, खुद के बच्चों को कैसे देखती है, दूसरे के बच्चों को कैसे देखती है। नालायक, जो पैसे वाले हैं उनके बच्चों को चाटती है, और जो घर में नौकरानी है उनके बच्चों को ऐसे थूकती है जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। यहीं से पता चलता है तू तो किसके लिए कितना करती है, गंदी गलीच औरत। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।